नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको बताते हैं कि इक्विटी बाजार में आपको पैसे क्यों लगाने चाहिए। भले ही आप ऐसे निवेशक हो, ऐसे दर्शक हो जिनके पास सोने में निवेश हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, रियल एस्टेट में हो, लेकिन महंगाई को मात देने वाला रिटर्न अगर चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इक्विटी भी अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं, कहां कहां जोखिम है, इसी की समझाइश हम देते हैं हमारी इस खास पेशकश के ज़रिए। और इस शो में आप भी भागीदारी अपनी ले सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक QR कोड आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे अब, और इसको आप स्कैन कीजिएगा। जो भी सवाल हो आपका शेयर बाज़ार में पैसे लगाने को लेकर, और ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड के ज़रिए अगर शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, इक्विटी में आना चाहते हैं, तो अपना सवाल पूछ लीजिए। ये QR कोड है, इसको तुरंत स्कैन कीजिए, एक WhatsApp नंबर से आप जुड़ जाएंगे और उस WhatsApp नंबर पर अपने सवाल छोड़ दीजिए। साथ ही YouTube पर भी आप लाइव देखते हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स पर भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। चलिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए निस्रीन मामा जी, CEO फाउंडर मनीवर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे साथ जुड़ गई हैं। निस्रीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे साथ उदय, दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार उदय। उदय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उदय जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, पूछिए अपना सवाल। जी, हेलो उदय, मुझे आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। मेरा पूछना था, मेरा ऑलरेडी सवाल आपको भेजा है मैडम, आपका शो में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ कवर करते हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा दान है। धन्यवाद सर। तो उदय, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है बजाज फाइनेंस में, और कुछ आपका FD श्रीराम फाइनेंस में भी है, लगभग 12 लाख का, और ये बहुत जल्दी मच्योर होने वाली हैं। और साथ ही आपको इन्वेस्ट करना है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी, आपको रिटर्न, हाई रिटर्न की उम्मीद है। आप चाहते हैं जानना कि चाहे आप पैसा स्मॉल फाइनेंस में डालिए या म्यूचुअल फंड्स में डालिए, कहाँ पर आपकी कमाई ज़्यादा होगी। इसके अलावा HDFC फ्लेक्सी कैप में आपने निवेश कर रखा है अपना, और SIP है आपकी 3000 रुपये की, आपकी ICICI के लार्ज और मिड कैप में भी SIP चल रही है। मुझे ये बताइएगा, इस ये जो आपको निवेश करना है, एक तो जो 12 लाख रुपए हैं जो आपको निवेश करने हैं, आपको वो कितने समय के लिए आपको डालने होंगे बाजार में, या जो भी आप फिक्स डिपॉजिट भी करना चाहते हैं, कहाँ पर आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मैं अभी तो FD था, मेरे FD चाहिए, मैं अभी तो क्रिकेट करने के लिए NBFC से हम जो ले रहे हैं, मैच्योर हो गया है, इसके हम चाहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अपर है उज्जीवन और उत्कर्ष, दोनों में अभी तक मेरे है, और कुछ कहीं एनी कमर्शियल बैंक में हम FD करना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए, अगले 5 साल के लिए, इसके बाद मेरे अगले 5 साल के लिए, ठीक है? तो आपको अगले 5 साल के लिए सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही कंसिडर करनी है, भले ही वो NBFC हो या कमर्शियल बैंक हो। क्या आप म्यूचुअल फंड के जरिए कोई बैलेंस्ड अप्रोच नहीं अपनाना चाहते हैं? लेकिन अभी तक फिलहाल क्या है, मैं अभी उसके बाद हम चाहते हैं SWP प्लान करें, लेकिन अभी मैं फिलहाल में जो है मेरा FD है NBFC में, वहाँ से माल निकाल करके निकाल करके अभी तक 5 साल के लिए यही पर कर, मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, अगला महीना में ICICI का दोनों लास्ट का मिड कैप और ओनली लास्ट बूटी कैप एक तो इन्वेस्ट करना है, और ये जो अभी अमन उज्जॉब मेरा मैच्योर हो गया है, ये चाहता हूँ मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करने के लिए, ये सही है कि नहीं? चलिए ठीक है। सर, वही मैं आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि भले ही वो आपके पास एक विकल्प है, आपके कंफर्ट लेवल कितना है अगर आपको कोई और निवेश का विकल्प भी हम सजेस्ट करें तो? निस्रीन को मेरे ख्याल से आपका सवाल भी समझ में आ चुका है, निस्रीन बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए? तो मुझे एक चॉइस देनी है उदय जी को, आप स्मॉल सेविंग्स में कर रहे हैं, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो इक्विटी सेविंग्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दोनों कैटेगरीज ऑफ फंड्स है जिसमें इक्विटी कंपोनेंट काफी कम होगी। एक जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड आप ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आपकी इक्विटी कंपोनेंट अबाउट 10-11% है, मैक्सिमम 15%,
बैलेंस अमाउंट विल बी इन डेरिवेटिव्स और इन फिक्स्ड इनकम। सो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इसमें आपके एक्सपेक्टेड कैगर कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट ओवर एटलीस्ट 3 ईयर्स कुड बी बिटवीन 8 एंड 9%। और थोड़ा ज्यादा आप इक्विटी कंपोनेंट में डाले, जैसे 30 to 35%, यहाँ आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आपकी इक्विटी कंपोनेंट थोड़ी ज्यादा होंगी और बैलेंस आर्बिट्राज डेरिवेटिव्स एंड फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट होगी। सो आपकी जो रिस्क एपेटाइट करंटली जो है, आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप स्मॉलर बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आप थोड़ी सी आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ाए और इसी जरिए आप आपकी जो उम्मीद है आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट आप थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो। इक्विटी सेविंग्स में 8 to 9 एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में आप 9 to 10% एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ इसकी इक्विटी कंपोनेंट थोड़ी ज्यादा है। नाउ सपोज आप SWP करना चाहे तो 8% रिटर्न्स आपको मिले, तो आप 21,000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हो। और ये जो कॉर्पस है आपकी 12 लाख रुपीज जो आपने ऑलरेडी इकट्ठी करी कर चुके हो आप, ये अबाउट 72 मंथ से अबाउट 6 ईयर्स तक आपकी राशि आपके साथ रहेगी और आप 21,000 SWP कर सकते हो, तो आपके पैसे अबाउट 6 ईयर्स तक लास्ट हो गए। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप थोड़ी आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ाए SWP ऑप्शन के लिए, और अभी जो आप कर रहे हैं वो HDFC फ्लेक्सी और ICICI प्रू मिड कैप में, लार्ज एंड मिड में, वो आपकी SIP आप कंटिन्यू करें, दोनों फंड एक्सेलेंट है। कविता ऑलराइट, ऑल द बेस्ट उदय। त्रिपेंदु सरकार मेरे दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपेंदु जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, कल कलकत्ता से। अच्छा बताइए सर, आपने ICICI वैल्यू डिस्कवरी, HDFC फ्लेक्सी कैप, मिड कैप अपॉर्चुनिटी और क्वांट के स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है। 15-25 साल के लिए निवेश करना है, 4 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं। चलिए सर, अच्छी बात यह है कि समय आपके पास बहुत है और आपका टारगेट भी वैसे अच्छा खासा बढ़ा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको निवेश राशि बढ़ाने की यहाँ पर सलाह दी जाएगी, लेकिन जो फंड्स आपने चुने हैं अपने लिए, या आपने खुद चुने हैं, आप किसी एडवाइजर को कंसल्ट कर रहे हैं, कहाँ से आपने इन फंड्स पर सलाह ली? हम आपको आपका शो देख रहा है, इसीलिए मैं ये सिलेक्ट किया है। चलिए, मुझे जहाँ तक याद है तो पता नहीं, ये शायद फंड्स तो आपको सिलेक्ट नहीं किए, रेकमेंड तो नहीं किए होंगे, अगर आपने किसी और की सलाह सुन के मान ली है तो एक बार चेक करवा लेते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। निसरीन बताइएगा। तो मैं त्रिपेंदु जी को डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, उन्होंने काफी बढ़िया एसेट एलोकेशन की है। उन्हें 25% ईच इन वैल्यू फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो उनकी एसेट एलोकेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। उनके सभी फंड्स 1 लाख से उनको कंटिन्यू करना चाहिए और आप 20,000 रुपीज पर मंथ एन SIP कर रहे हैं, आपकी टारगेट 25 ईयर्स दूर है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक आपको सलाह देना चाहती हूँ कि एवरी ईयर आप आपकी SIP 10% से इंक्रीज कीजिए, तो आप टॉप अप SIP करेंगे तो आपकी राशि डेफिनेटली ज्यादा होगी और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अच्छी है। ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो 14% आपकी ग्रोथ रेट होगी, तो कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट करें तो 25 साल के बाद आपकी अकाउंट में, आपके कॉर्पस में 5.4 करोड़ हो सकता है। लेकिन आप ये आप सोच सकते हो या आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपकी प्लानिंग में कि थोड़ी सी 5% या 10% आप SIP टॉप अप करेंगे तो आपकी राशि इतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कीप अप द गुड वर्क। कविता चलिए चलिए त्रिपेंदु जी, यहाँ पर अच्छे फंड्स हैं आपके, निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा जब भी मुमकिन हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अभिषेक मित्तल, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे, और शैबा आजाद सबका अधिकार में, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, आपको बताएं कि कैसे आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो देखिए ये QR कोड फ्लैश हो चुका है स्क्रीन पर, इसको स्कैन करें, एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल छोड़ दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बता रहे हैं कैसे इक्विटी बाजार से जुड़ने के लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता आप अपना सकते हैं। अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो QR कोड जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर दीजिए और उससे आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आप छोड़ दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। निस्रीन मामा जी हमारे आज के मेहमान जो आपके सवालों के जवाब दे रही है, और हमारे साथ अभिषेक मंडल हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार अभिषेक, आपने SBI स्मॉल कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, आपने ICICI प्रूफ ब्लू चिप, पराग पारिका फ्लेक्सी कैप, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में पैसे लगाए हुए हैं, 20 साल तक निवेश करना है, 1 करोड़ का आपका लक्ष्य है। कब बनाया आपने ये पोर्टफोलियो? जी मैम 3 महीने पहले। ओके, और किसी ने आपको सलाह दी ये फंड्स जोड़ने की पोर्टफोलियो में? नहीं मैम, मैंने खुद से ही ये जोड़े हैं। ठीक है, कोई खास लक्ष्य है आपका 1 करोड़ से? अभी तो आपकी उम्र देखिए 28 साल की है, मुबारकबाद मैं इसलिए देना चाहती हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छे समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग शुरू कर दी है। डायरेक्ट स्टॉक्स में भी क्या पैसे लगाते हैं? नहीं नहीं, स्टॉक्स में मैं नहीं लगाता हूँ, केवल म्यूचुअल फंड्स में ही। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बताते हैं कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और अगर इस लक्ष्य को रिवर्क करने की ज़रूरत है तो वो भी निस्रीन आपको बताएंगी। बताएं निस्रीन। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी बढ़िया यू नो फंड्स को आपने सिलेक्ट किया है अभिषेक जी। मैं दो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ऐसा एलोकेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप 20% ईच एंड एवरी कैटेगरी जा सकते हो, देयरफॉर आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप जो लार्ज कैप फंड है उसे कंटिन्यू कीजिए, पर आप पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मौजूद है वो भी आप कंटिन्यू कीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कीजिए 2000 रुपीज, SBI स्मॉल कैप भी आप कर रहे हो तो इसीलिए ये आप स्विच कीजिए और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ दैट, तो आपकी कोई यू नो सेक्टोरल या थीमेटिक जुड़ जाएगी आपके एसेट एलोकेशन में, बिकॉज आपकी जो लक्ष्य है आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप एक थीमेटिक फंड इंक्लूड कर सकते हो विच इज SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और आप SBI लार्ज एंड मिड कैप आप कर रहे हो उसके लिए आप SBI को स्टॉप करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड स्टार्ट कीजिए। तो ये दो चॉइसेस है जो मैंने अल्टरनेटिव्स दी है, अदरवाइज आपकी पोर्टफोलियो काफी अच्छी है, आप 20% इन मिड कैप, 20% इन लार्ज कैप, 20% इन स्मॉल कैप, 20% इन फ्लेक्सी कैप एंड 20% इन थीमेटिक, ऐसे आपकी कंप्लीट एसेट एलोकेशन है, और आपको सपोज 40% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट मिले नेक्स्ट 20 इयर्स में तो आपकी जो कॉर्पस होगी 1.3 करोड़ होगी, तो आपकी जो आप की गोल है आप ओवर अचीव कर पाएंगे, आपकी गोल है 1 करोड़ तो इट्स पॉसिबल कि आप 1.3 करोड़ तक अचीव करें इफ आपको कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 40% तक आपको मिले। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। और राइट, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात, अभिषेक इस सलाह को मानिएगा और अपने फाइनेंशियल जर्नी में आप आगे ज़रूर बढ़ते रहिएगा और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़िएगा, ये आपको बेस्ट विशेष के तौर पे हम बताना चाहते हैं। अभिषेक मित्तल का सवाल लेंगे निस्रीन यूट्यूब के जरिए, और इन्हें अपनी SIP शुरू करनी है म्यूचुअल फंड्स में और 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपये, और बताइएगा कैसे ये शुरू कर सकते हैं, 30,000 रुपीज़ मंथली से शुरू करना चाहते हैं। So, आपको 30,000 इन्वेस्ट करना है तो आप HDFC टॉप 100 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10,000 रुपीज, महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड 10,000 रुपीज, ICICI प्रू मल्टी कैप आप 5,000 रुपीज आप यू नो इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो कॉर्पस है आपको 1 करोड़ चाहिए 10 साल में, तो दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपकी गोल है कि 10 साल में मेरी राशि 1 करोड़ हो, तो इसीलिए आपको शायद आपकी SIP अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी बाय 7,000 रुपीज, सो देयरफॉर ICICI प्रू मल्टी कैप इंस्टेड ऑफ 5,000 आप 10,000 तक कर सकते हो, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7,000 रुपीज तक आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपीज, तो यहाँ थोड़ी आपकी SIP आपको बढ़ानी पड़ेगी 37,000 रुपीज, यही ये कैलकुलेशन हमने 15% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे किया है, तो यहाँ आपकी जो कॉर्पस है आप 30,000 इन्वेस्ट करें
10 साल के लिए, तो आप 82.5 लाख तक आपकी कॉर्पस अचीव कर सकते हो। लेकिन आपकी कॉर्पस की अचीवमेंट, आपकी गोल टारगेट है 1 करोड़ रुपीज, इसीलिए आपको 7,000 रुपीज बढ़ाना पड़ेंगे आपकी SIP में, और यहाँ आप 5,000 रुपीज ऐसे ऐसे प्रूफ मल्टी कैप में बढ़ाइए, और 2,000 रुपीज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो टोटल SIP आपकी कैलकुलेशन होगी 37,000 रुपीज। आप ये ना कर पाए, 7,000 रुपीज SIP ना कर पाए, तो दूसरी चॉइस है कि आपकी गोल की टेन्योर आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ 10 इयर्स आप 13 इयर्स या 14 इयर्स तक आपकी SIP टेन्योर बढ़ाएंगे, तो भी आपकी राशि आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास दो चॉइसेस है, SIP अमाउंट इंक्रीज करे या SIP टेन्योर इंक्रीज करे, दोनों जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपकी एसेट एलोकेशन, आपकी कैश फ्लो प्लानिंग में मैच कर सके, आप कोई भी दो चॉइसेस ले सकते हैं। चलिए आखिरी दर्शक हमारे शो के रवि ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गए हैं। रवि हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं रवि, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। बताइए आपने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है, या आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है? आपने 7 to 10 इयर्स के लिए अब इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है, राइट? 5 CR का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। मैम अभी वैसे मैंने शेयर लिए रखे हैं, मेरे पास रिलायंस है और टाटा पावर और टाटा मोटर्स 3 है। ओके, और ठीक है, रिलायंस के 500 शेयर है मैम, 2950। ओके ओके, तो टाटा मोटर्स अब जो आपने और इन्वेस्ट, ठीक है, मुझे ये बताइए म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको कितना निवेश करना होगा हर महीने? मैम मैं उसी के लिए आपसे राय जानना चाहता था, क्योंकि मेरा टेन्योर 10 ईयर का है, और मेरे को मेरा एम है कि मेरा कॉर्पस अराउंड 1 to 2 करोड़ का हो सके, हो जाए, तो मैं उसके लिए राय जानना चाहता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रहेंगे और मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा रवि, आपने लिखा है कि यू हैव स्टार्टेड विद 10K, इज दिस एनी इन एनी म्यूचुअल फंड्स? मैम वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही है अभी, उसके लिए इतना सीरियस नहीं था अभी। मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड में लगाए हैं। और क्वांट का कौन सा फंड लिया हुआ है? मैंने क्वांट का कौन सा है? स्मॉल, तो स्मॉल कैप तो अच्छा कर ही रहा है क्वांट का। हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मेरे ख्याल से आपने अच्छा ही फंड ले लिया है। बताइए और कौन सा है? और अभी मेरे पास, मैंने आज ही लगाए हैं 2 लाख रुपए इंडेक्स फंड पे, ICICI वाले में। कौन सा? मैं नाम नहीं सुन पाई, बताइएगा कौन सा है दूसरा? ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। चलिए ICICI का आपने इंडेक्स लिया, बस ठीक है, और नहीं है ना कोई? नहीं अभी और नहीं है जी। चलिए ठीक है, नेस्टिन बताइएगा जल्दी से क्या सलाह है इनके लिए। उनकी जो गोल है कि उनको 2 क्रॉस चाहिए 10 साल के बाद, तो यहाँ उनकी SIP अमाउंट है अबाउट 77,000 रुपीज, बिकॉज उनको मैंने ये कैलकुलेट किया है 14% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट के जरिए, तो उनको 14% आपको अचीव करे तो आपकी जो 120 मंथ्स की SIP है, दैट इज 10 इयर्स, तो आपकी SIP फिगर होगी 77,000 रुपीज, और आपकी कॉर्पस जो आपकी उम्मीद है कि आपको 2 क्रॉस आप कलेक्ट कर सके, इसके लिए हमने आपके लिए 35% एलोकेशन किया है लार्ज कैप फंड्स में, HDFC टॉप 100, 20% एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल कैप व्हिच इज ICICI प्रूफ स्मॉल कैप, 25% मल्टी कैप में महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 20%। तो आपकी चारों स्ट्रेटजी आप कवर कर सकते हो। आप इंडेक्स फंड में कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपने कहा कि आपने ICICI फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए, और ये आपकी SIP अमाउंट है अबाउट 77,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स के लिए, और कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट हमने 14% पे कैलकुलेट किया है। सो आपकी जो होप इट दैट इज कन्वीनियंट, जो गोल है 2 क्रॉस की आप अचीव कर सके। ये फंड्स शामिल करने हैं, और इस तरह से आपको अपने निवेश की राशि को भी बढ़ाना होगा। रवि ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। इसी के साथ निस्रीन धन्यवाद आपका समय निकाला और विस्तार से दर्शकों की पोर्टफोलियो की प्लानिंग की आज हमारे साथ। और शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे QR कोड के साथ, जिसको स्कैन करके आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। नमस्कार।